यो सब गाइस दैट्स गेमिंग स्कोप और आज का वीडियो टॉप 5 एमएम्स के ऊपर। सो इस वीडियो में हमने कवर किया है कि गेम के टॉप 5 एमएम्स कौन है तुम्हारे लिए, जिससे तुम रैंक पुश कर सकते हो और गेम में लाइक ज़्यादा किल्स निकाल सकते हो, लाइक ओवरऑल तुम उससे सब कर सकते हो। ये हमारे टॉप 5 एमएम का वीडियो होगा। सो हमने एमएम्स को लाइक कुछ कैटेगरीज रखी थी और उन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग रैंक किया, सबको पॉइंट्स एंड ऑल डिवाइड किए और सबको सारी चीज़ें दी हैं और उस हिसाब से हमने प्रॉपर सबको रैंकिंग करने के बाद ही ये टॉप 5 का वीडियो बनाया। इसमें हम टोटल लाइक सारे एमएम्स को हमने पहले लाइक लिखा, उनके सारे स्किल्स को देखा और उनको कितना पॉइंट्स देना चाहिए था, सबको पॉइंट डिवाइड किया, फिर जाके ये पूरी रैंकिंग निकली है। सो इस वीडियो में हम जो एमएम बताएंगे उनको प्रैक्टिस करो यार, लाइक अगर वो खेलोगे तुम तो मैं बता रहा हूँ एमएम्स में तुम अच्छे खासे बन जाओगे। सो लेट्स जंप राइट इनटू द काउंटडाउन फॉर नंबर 5। योर माइंड हे इट्स ब्यूटीफुल। सो एट नंबर 5 वी आर हैविंग थीरी। सो बाय द वे गाइस, थीरी हमने नंबर 5 पे रखी है। अगर आपको लगता है कि नंबर 5 शुरू करने के लिए कोई बेटर हीरो या अलग हीरो हो सकता था, यार कमेंट करो, बताओ हमको कि यार ये हीरो होना चाहिए था शायद से नंबर 5 पे स्टार्ट करने के लिए। सो थीरी एक बहुत ही अच्छी मार्क्समैन है, उसके स्किल्स के साथ वो मल्टीपल हीरोज को हिट कर सकती है। उसकी अल्टी लिटरली पूरे मैप पे जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो लाइक डबल टाइम डैमेज देता है यार, मतलब सिंगल टाइम के बाद डबल टाइम। फार्म होने के बाद जो उसका जैसे कि उसके डैमेज लेवल्स होते हैं वो बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि सारे हीरोज़ के होते हैं ऑलमोस्ट, बट इस हीरो के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो हमने नंबर 5 पे रखा था थीरी को, और अगर आपके पास कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ बताइए। सो लेट, और साथ में लाइक थीरी अगर तुम खेल रहे हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत ईजी है मास्टर करने के लिए। सो बहुत ईजिली तुम एक चैम्पियन हीरो लाइक खेलना सीख जाओगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 4। सो ऑन द फोर्थ स्पॉट वी हैव मोरेन। सो गाइज, ये गेम का इकलौता ऐसा मार्क्समैन है जो बहुत ज़्यादा टैंकीनेस के साथ आता है। लाइक इस बंदे का इतना टैंकीनेस है कि लाइक मार्क्समैन में तो किसी के पास इतना टैंकीनेस नहीं है जितना इसके पास है, ठीक है। इवन दो टैंकीनेस के साथ में इसके पास ओकेज और अच्छा डैमेज है, ठीक है, साथ में बहुत ज़्यादा लाइफ स्टील मिलता है, ठीक है, और लेट गेम जब तुम पहुंच जाते हो या अर्ली तुम मिड गेम पहुंच जाते हो डैमेज इनफ आ जाता है मार्क्समैन के जितना डबल ट्रिपल किल्स निकालने के लिए इस हीरो से अच्छा कोई नहीं है। ये देखो ग्राक है, ये ग्राक लग रहा है वो मेल्ट हो गया है, वो लिटरली पूरा का पूरा सामने से किल्स भी मिल जाएंगे उसके यहाँ पे। तो इसके लिए मोरेन बहुत ज़्यादा अच्छा हीरो है, लाइक टैंकीनेस है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल मिल रहा है, और अगर मार्क्समैन पे तुम्हें टैंकीनेस मिलता है तो उससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे ट्रिपल किल्स और डबल किल निकालने के लिए मोरेन बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि ऑल दो उसको स्क्वीशीज लाइक वो स्क्वीशी नहीं है तो उसको जल्दी कोई मार नहीं सकता, थोड़ा रुक के वो डैमेज दे सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लिप, राइट, अगले हीरो की तरफ बढ़ते हैं जो अपने क्लिप के अंदर नेक्स्ट है। सो एट द थर्ड स्पॉट, सो एट द थर्ड स्पॉट वी आर हैविंग ब्रूनहिल्डा। सो अपने पास तीसरे नंबर पे ब्रूनहिल्डा है। सो अगर तुम नॉर्मली गेम ज़्यादा अच्छे से खेलते हो और तुमने देखा होगा कि ब्रूनहिल्डा कितना ज़्यादा लाइक डैमेज प्रूव है कि उसका इतना ज़्यादा डैमेज है। अल्टी का सबसे ज़्यादा उसका अच्छा लाइक प्रॉफिट है कि जब वो अल्टी चालू कर लिटरल जब वो अल्टी चालू कर दे तो सब ने नोटिस किया होगा, सब लोग उस सर्कल के पहले बाहर भागते हैं जैसे उसका अल्टी चालू रहता है, कोई भी उस सर्कल के अंदर रहना नहीं चाहता। और सेकंड चीज़, अगर तुम घास में उसका जो सेकंड स्किल है वो रखते हो तो लाइक तुमको विजन मिल जाता है पहले कि कोई वहाँ पे है कि नहीं, या तो तुम स्पॉट नहीं हो रहे हो। ये सारे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रॉफिट्स हैं ब्रूनहिल्डा के पास, जिसकी वजह से हमने उसको थर्ड स्पॉट पर रखा। और तो और उसके पास लाइक मूवमेंट स्पीड भी अच्छा खासा है, जो सब मार्क्समैन के पास शायद बहुत कम मार्क्समैन के पास होगा, ठीक है। अल्टी के टाइम पे तुमको पता है उसका कितना ज़्यादा प्रॉफिट है जब अल्टी चालू होता है, बट एक चीज़ है जिससे ब्रूनहिल्डा के अल्टी में मैं थोड़ा ये बोलूँगा कि वो मूव नहीं कर सकती उसको, बाकी कुछ नहीं, बाकी ब्रूनहिल्डा बहुत अच्छी है, मास्टर करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसको, ठीक है। सो अब ब्रूनहिल्डा की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है कि ब्रूनहिल्डा के पास डैमेज इतना ज़्यादा है कि क्रिट मारने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है उस वक्त। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्पॉट फॉर द सेकेंड स्पॉट। सो ऑन द सेकेंड स्पॉट वी आर हैविंग लाविल। सो भाई लाविल बहुत ही ज़्यादा लाइक इफेक्टिव हीरो है। अगर तुम मार्क्समैन्स ज़्यादा तुम स्पैम करते हो तो तुमको मार्क्समैन्स खेलते वक्त लाविल पे फोकस करना चाहिए कि लाविल सीख लो पहले, क्योंकि
एक मेन प्रॉफिट आता है इसके अल्टी का, जो कि अगर तुम एक लंबी रेंज से हिट करते हो किसी एनिमी को तो उसका बहुत ज़्यादा लाइक स्टन टाइमिंग है, बहुत लंबे टाइम तक स्टन करके रखता है। और वो तुम इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि वो टीम को कितना हेल्प हो रहा है उसकी एक अल्टी की वजह से, कि वो कहीं पर भी अगर उसके टीम में कोई मर रहा होगा या फाइट हो रही होगी तो उस वक्त पर वो हेल्प कर सकता है उस तरीके से। ऑल्दो उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा इनसेन है, बहुत ही अच्छा उसका डैमेज है। और एक तो और उसका डैमेज पास थ्रू लगता है, लाइक हीरोज़ के पास थ्रू होकर लगता है, लाइक अगर उसके जो बुलेट्स है वो। और तो और लाइक लाविल के पास शील्ड है जो कि बहुत ही कम लाइक स्किल्स में आते हैं कि जिससे स्टन नहीं लगता, ठीक है। अगर तुम उस शील्ड ऑन करके रखते हो तो लाइक मेज है सामने कोई या उसके पीछे कोई भी लाइक स्टन हीरो है तो तुमको स्टन नहीं लग रहा, ठीक है। तुम उस स्टन के थ्रू खेल रहे हो तुम, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा प्रॉफिट आ जाता है लाविल खेलते वक्त। मास्टर करने के लिए भी लाविल बहुत ईजी है, तुम ईजिली लाविल को मास्टर कर सकते हो। नंबर फर्स्ट के पहले थोड़े हॉनरेबल मेंशन पे भी नज़र डालते हैं जो कुछ पॉइंट्स की वजह से लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। नंबर फर्स्ट पे आएंगे सो एट द फर्स्ट स्पॉट फॉर हॉनरेबल मेंशन वी हैविंग यॉन। सो गाइस, यॉन लिस्ट में जगह बना नहीं पाए क्योंकि मोस्टली एक ही प्रॉब्लम था कि उसके पास एस्केप नहीं है कोई भी। लाइक जब लेट गेम पहुंच जाता है तो यॉन के पास डैमेज तो बहुत अच्छा आ जाता है, बट असैसिन्स हीरोज़ लाइक जो जंप कर सकते हैं लाइक किसी टारगेटेबल हीरोज़ पे, उन सब से यॉन बच नहीं सकता क्योंकि उसके पास नो एस्केप है, राइट, उसके पास कोई एस्केप ही नहीं है। बट स्टिल हमने इसको लाइक हॉनरेबल मेंशंस में रखा है बिकॉज ऑफ हिज डैमेज। सो लेट्स मूव ऑन टू हॉनरेबल मेंशंस के अगले हीरो के ऊपर। एंड एट द सेकेंड स्पॉट गाइज, सो वी आर हैविंग हायाटे फॉर सेकेंड स्पॉट ऑफ हॉनरेबल मेंशंस। सो गाइज, हायाटे को हमने लिस्ट में क्यों नहीं रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है हीरो को मास्टर करना, ठीक है। ऑल्दो मैना आता है उसके साथ में और पोजिशनिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ता है तुमको, लाइक अगर तुम हायाटे खेल रहे हो। फ्लिकर्स है, एस्केप है, बट मैना है तो फिर लाइक तुम लोग उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि कम पड़ेगा, कंटिन्यूसली तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते। बाय द वे, ये किल्स देख के ज़्यादा ये मत हो जाना कि हायाटे बहुत सेक्सी है, लाइक है सेक्सी हीरो क्योंकि हमने यहाँ पे अच्छे से खेला है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू हॉनरेबल मेंशंस के लाइक आखिरी हीरो पे, ठीक है। सो एट द थर्ड स्पॉट, सो ऑनरेबल मेंशन नंबर वन स्पॉट पे हमने रखा है कैफनी को। सो गाइस, कैफनी तो एक्चुअली है बहुत अच्छी हीरो, खेलने के लिए तो बहुत ही अच्छी है, अल्टी का यूज़ भी बहुत अच्छा है, बट पोजिशनिंग और वो सारी चीज़ें करने में लाइक बहुत टाइम लग जाता है। स्किल्स बहुत ज़्यादा है, लाइक 6 स्किल्स है उसके पास टोटल और 2 मोड्स है उसके, ठीक है। अगर वो अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे तो अच्छी चीज़ है, अगर नहीं कर सकते तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। टीम फाइट्स में तुमको समझ में नहीं आएगा कि किस वक्त पे मुझे क्या मोड यूज़ करना है, और वो इजी टू मास्टर नहीं है, मास्टर करने के लिए बहुत मुश्किल है कैफनी को, ओके। अगर गाइस तुम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो तो कैफनी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हीरो है, ठीक है, अच्छी हीरो है, लाइक फिर जाके तुम कैफनी को खेल सकते हो। और अगर मास्टर कर लोगे तो लाइक अच्छा, अच्छी मार्क्समैन है यार, तुम लोग उससे लाइक बहुत ज़्यादा किल्स वगैरह स्नाइप कर सकते हो, अल्टी है अच्छी खासी यूज़ करने के लिए। सो इट्स अपॉन यू गाइस कि तुमको ये हीरो कैसा खेलना और कैसे यूज़ करना है। So now let's move on to #1. 3 wishes, 1 shot. Not bad if I say so myself. So at the first spot we are having Thorn, guys. टॉप 5 मार्क्समैन के पहले स्पॉट पे हमने थॉर्न को रखा है। हर पॉइंट में लाइक थॉर्न को लाइक हर स्पॉट पे हम थॉर्न को पॉइंट दे सकते थे क्योंकि ऑल्दो इसके पास बुलेट के लाइक डिफरेंट टाइप्स के बुलेट है इसके पास जो तुम अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से गेम के अंदर। उसको लोड करना मुश्किल है, यूज़ करना थोड़ा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि लाइक थॉर्न मैंने खुद तो कभी खेला नहीं है, बट एज़ पर एपी स्लेयर अगर तुम थॉर्न रेगुलर खेलते हो तो तुमको बुलेट्स की नेचुरली हैबिट हो जाएगी कि और पता भी चल जाएगा कि कौन से टाइम पे कौन सा बुलेट यूज़ करना है। उसके पास एक हर टाइप का बुलेट है, जैसे कि अगर तुमको स्टन चाहिए तो स्टन टाइप का बुलेट मिल जाएगा, डैमेज मिल जाएगा और उसकी अल्टी
जो इस वक्त यूज़ हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक इतना बड़ा एरिया है उसके पास और उस एरिया में डैमेज पड़ रहा है। एक टाइम पे तुम 5 लोग को भी डैमेज दे सकते हो उसके अल्टी के साथ। बुलेट्स तो है ही उसके पास, लाइक डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस है बुलेट में ऑलरेडी उसके पास, जिससे तुम अच्छा खासा लाइक ध्यान दे सकती कौन से टाइम पे डैमेज चाहिए। फ्लिकर भी उसके पास मिल जाता है ये अल्टी का यूज़ करें, बहुत बढ़िया। खिल भी लिया। सो दैट्स इट फॉर थॉर्न गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो इस वीडियो पे हमने 50 लाइक्स का गोल रखा है, 50 लाइक्स के बाद ही अगला वीडियो आएगा। एंड दिस इज नॉक्स टॉप 5 मार्क्समैन साइनिंग आउट।